हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अभी आपने चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं और आज हम उसी एक्सरसाइज के सम इट अप पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि चैप्टर 8 जो आपने पढ़ा है मेजरमेंट, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, ये एक बार आपको फिर से रिवाइज करना है कि चैप्टर 8 में आपने जैसे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पढ़ा है। ओके, पर्सनल यूनिट, यूज ऑफ पर्सनल यूनिट। तो पर्सनल यूनिट्स कौन कौन सी होती थी बच्चों? पहले समय में जो है ना, कोई भी मेजरमेंट नापने के लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो उसके लिए तो उस दौरान क्या होता था कि हम लोग अपने ही पर्सनल यूनिट जैसे हैंड स्पेन, हथेली जो आपकी होती है, तो हैंड स्पेन, क्यूबिट जिसको एल्बो कहते हैं, फिंगर्स, छोटी छोटी चीज़ नापने के लिए हम लोगों को फिंगर्स जैसे इरेजर, शार्पनर या रील वगैरह नापने के लिए क्या करते थे, फिंगर्स का यूज़ कर। अब जब कोई दूरी जैसे आप क्लासरूम हो, कमरे में हो या कुछ फर्श है, इसकी दूरी अगर नापने होता था तो आप क्या यूज़ करते थे, अपने पैरों का यानी फुट का। अब यहाँ पर जैसे डेस्क है, तो डेस्क को आप किसके, डेस्क, बुक या ब्लैक बोर्ड, इन सबको आप हैंड स्पेन से नाप लेते थे, है ना। इसी प्रकार से जैसे आपके पास स्टिक्स हैं, तो स्टिक्स से आपने नाप लिया कुछ ना कुछ। लेकिन अब जबकि इंची टेप वगैरह हो गए हैं, तो अब इनका कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसका भी यूज़ होता है। अच्छा, तो बच्चों अब ये बताना है कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए, मीटर कौन सी इकाई होती है और सेंटीमीटर, तो मीटर क्या है? मीटर इज़ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। लंबाई नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? मीटर। एंड सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? सेंटीमीटर। ओके, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड 2 मीटर इसी प्रकार से, यानी मीटर अगर है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 का। इसी प्रकार से यदि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, तो बच्चों 100 से डिवाइड करना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे टेबल दिया है, शूज़ दिए हैं एंड चॉक, बैग, तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में आप इनकी लेंथ लिखेंगे। ओके, जैसे टेबल है, तो टेबल आप कितने सेंटीमीटर लिख सकते हैं? टेबल को जैसे नापना है तो आप क्या करेंगे, यस, आप इसको इंच टेप होता है उससे आप इसको नापेंगे और इसकी मेज़र लिखनी है। ओके, इसी प्रकार से एट द सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट आपको तो आते ही है, केवल करना क्या है, एड और सब्ट्रैक्ट दिया बच्चों। तो इसमें वेरी सिंपल, जिस प्रकार से आप प्लस करते हैं उसी प्रकार से आपको प्लस करना है, केवल आंसर में आपको क्या लिखना है, सेंटीमीटर। ओके, चाहे वो प्लस करें या आप उसको माइनस में करेंगे, तो इसको आप खाली प्लस माइनस करते जाइए और यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि यदि यूनिट लिखना भूल गए बच्चों, तो इसमें जो है आंसर गलत हो सकता है। ओके, समझ रहे ना बच्चों? तो अब आप लोग इसको अपने आप कर लेंगे। आपकी टेबल देखिए, टेबल की हम एग्जैक्ट मेज़रमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी के यहाँ टेबल छोटी होती है, किसी के यहाँ बड़ी होती है, तो आप अपने हिसाब से। चौक है, चौक पूरी है, तो आप उसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, 3-5। और शूज़ किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं ना, बच्चों के कितने छोटे होते हैं, तो आप अपने शूज़ का नाप लीजिएगा और बैग की लेंथ। ओके, और ये वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, साथ में डेट मेंशन करते रहेंगे और डेली अपना वर्क सेंड करते रहिए बच्चों, ताकि हमको करेक्शन करने में आसानी होगी। ओके, बाय बाय।